हम इसे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बना सकते हैं? आंसर है नहीं। अब इसका रीजन क्या होता है? हमने पढ़ रखा था कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना अच्छा नहीं कर रहा है। रीजन क्या है? और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जो कि सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिव डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है। ये रीजन है। फिर हाइब्रिडाइजेशन रीजन होता है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है? ये वो मेथड है जिसमें हम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को सिंथेसाइज करते हैं। समझ आया? और क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था गैब्रियल, इस वजह से ये नाम क्या पड़ गया? गैब्रियल। अच्छा, थैलेमाइड नाम क्यों पड़ा? बिकॉज हम थैलेमाइड को यूज करते हैं और प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन्स को बनाते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले मैंने बताया ना, जब तुम ये पढ़ोगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो बहुत बच्चों को थोड़ा डर सा लगता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तीन बेसिक स्टेप्स है जो तुम लोग को याद रखने। फर्स्ट स्टेप क्या है कि किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं हम थैलेमाइड को, ठीक है? तो सबसे पहले तो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर याद कर लो। देखो, स्टार्टिंग प्रोडक्ट याद कर लो और एंड प्रोडक्ट याद कर लो, और जो तीन स्टेप्स होते हैं बस उसको याद करो, बस और कुछ नहीं है, चुटकियों का खेल है ये। तो देखो, थैलेमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन एच, ठीक। तो ये क्या होता है हमारा थैलेमाइड। थैलेमाइड को हम सबसे पहले रिएक्ट करते हैं किसी भी बेस के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे हम लेते हैं अल्कोहलिक KOH। तो जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले याद रखना ये हमारा स्टेप वन है, ठीक? तो हम अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज समझो, जो थैलेमाइड होता है ना, इसका नेचर क्या होता है? क्वाइट एसिडिक होता है, मतलब ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक कौन होते हैं? जो अपने H+ को रिलीज करते हैं, मतलब इसकी पास टेंडेंसी है कि ये अपने H+ को देना चाहता है। तो जब ये कोई काम करना चाहता है और उसको फेवर करने के लिए हम ऐसा ही रिएजेंट यूज कर रहे हैं, मतलब बेस हम यूज कर रहे हैं। बेस कौन होता है? जो H+ ढूंढता है। तो बेस में क्या होगा? OH- है, जो क्या करेगा? इस H+ को लेना चाहेगा। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देख के वाटर के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, अब नाइट्रोजन के पास इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब नाइट्रोजन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज, ठीक है? और एक बात बताओ, इसमें से OH- हमने यूज कर लिया, तो बच क्या गया? K+ ना। तो N पे माइनस है, तो N अपने पास किसको अट्रैक्ट कर लेगा? K+ को। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? एज इट इज यही बनाना है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N माइनस K+, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे इसका नाम क्या था? थैलेमाइड। यहाँ पे इतना पूरा स्ट्रक्चर ये थैलेमाइड ही तो है, और बस इसमें पोटेशियम जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पोटेशियम थैलेमाइड। तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक। अब हम सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप में हम पोटेशियम थैलेमाइड को क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो हम सेकेंड स्टेप में इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड। हमें पता है अल्काइल हैलाइड कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है, मतलब ये थोड़ा हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे फिर से क्या होगा? यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, RX में हैलोजन हटता है और उसके जगह पे ये थैलेमाइड आयन क्या होता है? जुड़ता है। बिकॉज इसका नेचर क्या है? इट इज न्यूक्लियोफिलिक। इसका नेचर कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक। तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करता है कि ये यहाँ पे X को हटा देगा और इस R के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब अगर मैं इसका दिखाना चाहूँ कि SN2 में ये कैसे हो रहा होगा रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। C डबल बॉन्ड O, N माइनस है, वो क्या कर रहा होगा? धीमे धीमे इस R के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये R धीमे धीमे अब X वाले के साथ अपना बॉन्ड तोड़ रहा है। समझ आया? SN2 में यही तो होता है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है और ये दोनों ही स्टेप क्या होता है? एक साथ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? धीमे धीमे इसका बॉन्ड अब टूटेगा, RX का बॉन्ड टूटेगा और R जो है अब वो इस वाले थैलेमाइड आयन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे क्या होगा? KX निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अब N माइनस के साथ कौन जुड़ गया? R, ठीक। ये इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक। समझ आ रहा है? तो ये स्टेप वन था, रिएक्शन विद ट्रीटिंग थैलेमाइड विद अल्कोहलिक KOH। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आप अल्काइल हैलाइड के साथ पोटेशियम थैलेमाइड को हीट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा? SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे हैलोजन का निकलना और थैलेमाइड का आर के साथ बॉन्ड बनाना, ये दोनों ही एक ही स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है? अब हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे? देखो फिर सेम, अच्छा इसका माइनस चार्ज ये हट जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस आपस में क्या हो गया? चार्ज खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका नाम क्या होता है? ये थैलेमाइड ही तो है, बस इससे अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, तो इसका नाम क्या होगा? अल्काइल, एन अल्काइल थैलेमाइड।
ठीक है। अब थर्ड स्टेप होता है स्टेप थ्री, इसका हम क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हम इसका क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, या तो मैं एनसीईआरटी में क्या दे दिया होगा, एनसीईआरटी में दे रखा है कि हम इसको 2NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है बताओ, यहाँ पे हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH OH + RNH2। समझ आया, ये मिल गया, ये है हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है साथ में साइड प्रोडक्ट, वो हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं थैलिक एसिड। समझ आया। तो अब देखो क्या होता है, एक चीज और समझ लो कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो थैलिक एसिड बना है अगर हम इसको 2 अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमाइड बनता है। समझ आया, CONH2। और यहाँ भी क्या बन गया, CONH2। यहाँ पे ये क्या बना है, थैलेमाइड बना है। देखो ये IMIDE है, ये अमाइड बना है। समझ आ रहा है। तो थैलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया हमें क्या देता है, थैलेमाइड देता है, जिसको अगर आप फिर से हीट करोगे ना तो यहाँ पे NH3 फिर निकल जाता है। अब NH3 निकलेगा तो इसका मतलब कहाँ से निकल रहा है, देखो एक से NH2 यहाँ से निकाल दो और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस हमें क्या मिलेगा, थैलेमाइड ही तो मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करते हो तो होगा क्या, जो थैलिक एसिड बना है उसको अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे तो थैलेमाइड बनेगा। थैलेमाइड को अगर फिर से हम हीट करते हैं तो हम थैलिक एसिड हमें थैलेमाइड हमें फिर से मिल जाता है। इस तरीके से आप रिएक्शन में थैलेमाइड को बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब इसमें सेकेंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, क्या हम इससे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बना सकते हैं, मतलब जैसे आपने RNH2 बनाया है तो क्या हम इसी तरीके से ARNH2 बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यहाँ पे छुपा हुआ है। तो देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे X हट रहा है और यहाँ पे ये थैलेमाइड के साथ R ग्रुप जुड़ता है, ठीक। तो अब अगर हमें ARNH2 बनाना है तो हमें यहाँ पे RX के जगह ARX यूज करना होगा, मतलब यहाँ पे बेंजीन होगा और साथ में ऊपर क्या होगा, कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा। अब हमने पढ़ रखा था कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना अच्छा नहीं करता है। रीजन क्या है कि हैलोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे और रेजोनेंस के वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जो कि सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिव डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है, ये रीजन है। फिर हाइब्रिडाइजेशन रीजन होता है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो रिंग्स में ही सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो एराइल हैलाइड क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली नहीं करते, इस वजह से एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को सिंथेसाइज करना गैब्रियल थैलेमाइड से प्रेफर नहीं किया जाता है। समझ आया। तो आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।